आई इक्वल टू एस बट आई इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, इज इट राइट? और वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? दो. तो उसका मिनिमम वैल्यू के लिए भी आई का वैल्यू कितना आ गया? मोर देन वन. एग्री? उस पर कुछ और एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. किसी का ऑडियो अनम्यूट है स्टूडेंट? चलिए यहां देखिए, इसका अल्फा अगर 0.3 दिया हुआ है तो वांडर फैक्टर कितना होगा? वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई. व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ पे? ये देखिएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू व्हाट? फाइव. जीरो पॉइंट थ्री प्लस जीरो पॉइंट थ्री इंटू फाइव, हाउ मच? टू पॉइंट टू. ओके, तो देखिए इसका मतलब है कि डिसोसिएशन के लिए अगर हम लोग को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ दिया रहेगा, तो परसेंटेज दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे तो क्या ये निकल जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम है, करेक्ट? और अगर आई निकल गया तो ये अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल जाएगा. सी पी एफ नॉर्मल इक्वल टू व्हाट? आई इंटू सी पी नॉर्मल. एग्री है ना? चलिए अब लिखे केस ऑफ एसोसिएशन. केस ऑफ एसोसिएशन, इसको हटाएं. मोर एंड मोर जनरलाइज क्या हो सकता है? एन ए कन्वर्टेड टू एन, अगर एन का वैल्यू दो रहेगा तब ए टू बनेगा, तो बोलेंगे डाइमराइजेशन, डाइमर. ए का वैल्यू अगर थ्री, एन का वैल्यू थ्री रहेगा तो क्या बोलेंगे? ट्राइमराइजेशन, ट्राइमर. ए का वैल्यू चार रहेगा तो क्या बोलेंगे? टेट्रामेराइजेशन. और एन का वैल्यू एन रहेगा, पॉलीमराइजेशन. एसोसिएशन का मतलब ये हुआ, करेक्ट? टी इक्वल टू जीरो पे इसका नंबर ऑफ मोल ए लेते हैं, आ इसका जीरो. और जिस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इन सिमिलर फैशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी होता है, राइट? तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या लिखेंगे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, बोलिए एसोसिएटेड. जैसे बोलते हैं डिसोसिएटेड, वैसे यहां पे क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड. और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन. तो सपोज कीजिए कि टी इक्वल टू टी इक्विबियम या जो भी है, तो यहां से अगर एक्स जाएगा, कितना गया? एक्स. तो इसका कितना बनेगा? एक्स बनेगा. इसका एन से वन बन रहा है, इसका कोफिशियंट कितना? इसका एन से वन, तो वन से वन बाई एन. तो इसका एक्स से एक्स बाई एन. आज सुबह क्लास में तो यही तो कर रहे थे,
करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई एन, इज इट राइट। तो यहाँ से a माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई एन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, चलिए अब यहाँ देखेंगे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है एवरीवन, ए है। एंड नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो नंबर नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना होगा, ए माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एन, इसको हटाए इस तरफ। बोलिए, सी पी एफ नॉर्मल, सब लोग पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाइएगा, और जो लोग ड्रॉप दिए उनका ज़्यादा रिस्क है, इस बार डिबेट होकर करियर खराब हुआ तो कोई भगवान भी आपको नहीं बचाएगा, इस सब के लिए मैं बोल रहा हूँ जो ड्रॉप देके यहाँ पे आए हैं, इसलिए जमीन पकड़ के रखिए, 100% दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगना है, अभी करियर बन जाएगा फिर फ्लाई करते रहिएगा। तो सी पी अब नॉर्मल वाई सी पी नॉर्मल, तो क्या यहाँ पे ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो यहाँ पे सी पी ऑफ नॉर्मल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वहाँ देखिए आफ्टर एसोसिएशन, एब नॉर्मल का मतलब क्या, एसोसिएशन के बाद का बाद, तो ए माइनस एक्स पढ़ाए थे ना नंबर ऑफ मोल्स, ए माइनस एक्स प्लस एक्स वाई एन और डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई एन, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड आर डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स टेकन, देन एक्स इक्वल टू कितना, ए अल्फा, तो एक्स के बदले ए अल्फा पुट कर दे, इसी को तो हम लोग बोलते हैं आई, क्या बोलते थे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आई, तो ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बाई एन और डिवाइडेड बाई ए, क्या ए को कैंसिल कर सकते हैं, देन वंडर फैक्टर आई इक्वल टू क्या हो गया, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा वाई एंड दिस इज द वंडर फैक्टर फॉर व्हाट, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है ना, करेक्ट। यहां पे एन क्या, एन स्टैंड फॉर व्हाट, एन स्टैंड फॉर बोलिए पॉलीमराइजेशन, एन स्टैंड फॉर, अगर डाइमर रहेगा तो एन का बोलो क्या रहेगा, दो, ट्राइमर रहेगा तो तीन, टेट्रामर रहेगा तो, समझ गए, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिसोसिएशन नहीं है, डिग्री ऑफ,
तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए आपको रेडीमेड शॉर्ट नोट्स में रखिएगा। मतलब अब इतना कुछ इक्वेशन लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर लिए ना, ये कहीं पे फेल नहीं करेगा, करेक्ट। चलिए एक काम करते हैं स्टूडेंट, वन माइनस, जस्ट कुछ प्रूफ करने के लिए, ऐसे फार्मूला का फॉर्मेट याद करने का ये रहेगा, मुझे कभी भी आज से 2 महीना 4 महीना के बाद भी पूछिएगा ना, मुझे याद रहता है दोनों का, डिसोसिएशन का भी और एसोसिएशन का भी, तो आप भी इसको रट जाइएगा, करेक्ट। अब वहाँ पे एन को भूलिएगा ना, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ मोल्स बोल रहे हैं, यह है पॉलीमराइजेशन, करेक्ट। तो जस्ट कुछ प्रूफ करना है इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट। एक ही बात है सर, अल्फा कॉमन ले लिए, बट एन का यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 1 रहेगा तो पॉलीमराइजेशन होगा, एसोसिएशन होगा, सच बताइए। मतलब ये बनाना चाह रहे हैं ये सर, ए से ए, ए से एन का वैल्यू 1, तो ये 1 से 1 हो जाएगा। एन का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 2, इनका मिनिमम वैल्यू क्या है 2। तो चलिए कोई एक वैल्यू लेके काम करते हैं, ये तो पता है ना कि ये जो एन रहेगा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, इस बात का लिए तो एग्री कर रहे हैं, एन क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ए वैल्यू क्या रहेगा, लेस देन 1, और लेस देन 1 को 1 में से माइनस कर रहे हैं, 1 में से इसको वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो ए वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्या रहेगा, पॉजिटिव, लेकिन 1 से छोटा रहेगा, पॉजिटिव लेकिन 1 से छोटा, 1 में से कुछ को माइनस कर रहे हैं भाई, 1 में से किसी चीज़ को माइनस कर रहे हैं, पॉजिटिव रहेगा लेकिन क्या 1 से बड़ा रहेगा या 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा है, और उसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए वैल्यू भी क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, और उसमें इसको किस में माइनस कर रहे हैं, कहने का सेंस ये है कि ले देकर ए वैल्यू लेस देन 1, एग्री, लेस देन, और 1 माइनस दिस इक्वल टू व्हाट, लेस देन 1 बोल सकते हैं, प्रूफ हो गया मैथमेटिकल, क्यों, क्योंकि सर एन का वैल्यू मिनिमम, एन का वैल्यू तो 1 से बड़ा ही रहेगा, और इंटीग्रल वैल्यू रहेगा 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, एंड सो ऑन, करेक्ट। दैट्स वाई इन केस ऑफ एसोसिएशन वांडा फैक्टर मोर देन यानी 1 या ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा, ऑलवेज लेस देन 1 रहेगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि एसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, इसका मतलब सीपी एब नॉर्मल, ऑल सीपी डिवाइड बाय सीपी नॉर्मल लेस देन 1 मींस सीपी एब नॉर्मल लेस देन व्हाट, सीपी नॉर्मल, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया। इसके अंदर 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 टाइप का सीपी होता है, सारे सीपी के लिए एक साथ मैंने बोल दिया। ओके एवरीवन, नेक्स्ट, यहां तक हो गया, वांडा फैक्टर के क्या था मॉलिकुलर वेट का रिलेशन, मॉलिकुलर वेट नॉर्मल और डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, तो एसोसिएशन के केस में नॉर्मल ना, एबनॉर्मल, ये सब जो भी पढ़ा रहा हूँ पहले के क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, लेस देन 1, इसका मतलब मॉलिकुलर वेट नॉर्मल लेस देन व्हाट, एबनॉर्मल, अरे होना भी चाहिए था, पॉलीमराइजेशन है, जब पॉलीमर बनता है तो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है, तो उसका मॉलिकुलर वेट भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ये ऐसे भी हम लोग जान रहे थे, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो मोनोमर कन्वर्टेड टू व्हाट, पॉलीमर,
मॉलिक्यूल का जो पॉलीमर बनेगा उसका मोलर मास मोनोमर से कम दिखेगा या ज़्यादा दिखेगा? ज़्यादा दिखेगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, स्टूडेंट बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा भी पहले आता था, एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस विथ प्रॉपर डायग्राम, एक्सप्लेन कर लीजिएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस अगर एक्सप्लेन करना रहेगा तो क्या बोलेंगे? इफ एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन व्हाट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, देन जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिवर्स ऑस्मोसिस। उसको किसके लिए यूज करते हैं? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए, सब लोग क्वेश्चन निकाली दो। एक्सरसाइज वन का क्वेश्चन नंबर 5, आपने क्यों नहीं लाया? ये काम यहाँ पे भी क्लास में आगे करते हैं, लाना चाहिए ना। हार्ड कॉपी मिला है? हार्ड कॉपी रखना चाहिए। चलिए वहाँ से देखिए, नहीं मिला है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 m, NaCl 0.2 m एंड 0.5 m, एसिड के लिए ये है और उसका 0.5 m लीजिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थ्योरी ओवर, अब से प्रॉब्लम डिस्कशन होगा। आप लोग को असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, एक साथ मैं फिर से शेयर कर दूंगा, यहाँ से बनाइए, और नहीं बनता है तो बस अभी ट्राई कीजिए। ड्रॉपर बैच के जो भी न्यू स्टूडेंट है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि सीपी अभी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको मेकअप करने के चक्कर में आप प्रेशर में आ जाइएगा, बाद में आपको पढ़ा देंगे या बाद में कवर कीजिएगा प्ले लिस्ट फाइल। नहीं, बाकी जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, बट आपके पास तो टाइम है ना अभी। लेकिन अगर पहले से फार्मूला वगैरह पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आप कोप अप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर कितना? 5। एक मिनट रुकेंगे स्टूडेंट, ये जो आपको
मोलरिटी दिया हुआ है, मेरे साथ साथ में सॉल्व करते हैं, मोलरिटी दिया हुआ है वो सॉल्यूशन बनाने बनने के बाद दिया हुआ है, बिफोर सॉल्यूशन या आफ्टर सॉल्यूशन, मतलब मेरे पास कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 mNaCl, मतलब सॉल्यूशन में NaCl का कितना m है 0.1, मतलब इसका इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, कोई सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है उसके बाद निकाल कर दिया गया है, राइट। तो आपके सॉल्यूशन में क्या क्या है, आपके सॉल्यूशन में NaCl है, Na2SO4 है और HA है, करेक्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पे नेट ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या लिखेंगे, बोलिए मेरे साथ, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू NaCl प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू HA। अब मैं क्या करूँगा, सबका अलग अलग निकालूंगा, करेक्ट। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए NaCl वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसका अल्फा नहीं दिया हुआ है, मतलब 100% डिसोसिएशन मानिएगा, तो अल्फा का अलग वैल्यू कितना लेंगे 1, और NaCl के लिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना, x प्लस वाई का वैल्यू 2 ना, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें अल्फा का वैल्यू 1 और x प्लस वाई का वैल्यू 2, x प्लस वाई समझ रहे हैं ना क्या है, कितना हो जाएगा आई NaCl हो गया 2। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग निकालेंगे वो थियोरिटिकल निकालेंगे या रियल निकालेंगे, अरे हाँ अभी तो यहाँ निकालेंगे, बट यहाँ जो पुट करेंगे वो क्या रहेगा, रियल मतलब एबनॉर्मल, रियल मतलब, तो क्या ये लिख सकते हैं पाई NaCl इक्वल टू आई पाई NaCl नॉर्मल, हाँ ना, कुछ तो बोलिए भाई, करेक्ट। अब आई का वैल्यू कितना 2, और इसके लिए क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कितना है NaCl का 0.1 RT, एग्री, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ तक समझ में आया, एक मेरा क्या था, अगर नॉर्मल सिर्फ सिंपली नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी NaCl का लिखते, NaCl का नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर तो लिखते CRT, बट रियल में जो लिखेंगे उसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिसोसिएशन का केस बन रहा है तो क्या लिखेंगे I into normal, तो इसलिए मैंने इसमें I से मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे सोडियम सल्फेट, तो व्हाट इज वैन डर फैक्टर ऑफ Na2SO4, और अगर कुछ नहीं मेंशन किया हो तो सोडियम सल्फेट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3 कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 3। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू सोडियम सल्फेट 3 इंटू कितना है कॉन्सेंट्रेशन 0.2 RT, करेक्ट। उसके बाद वांडा फैक्टर ऑफ, अब यहाँ पे HA का, एक मिनट यहाँ देखिएगा, HA का इक्वेशन लिखने का रिक्वायरमेंट है या डायरेक्टली I HA निकाल लेते हैं, और इसका डिसोसिएशन कितना दिया 20, मतलब जीरो अल्फा का मतलब 0.2, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई, 1 माइनस 0.2 प्लस 0.2 इंटू कितना लिखे, कितना हो जाएगा 1.2, तो पाई ड्यू टू एच ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू एसिड, राइट, कितना हो जाएगा 1.2, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन कितना था एवरीवन 0.5 RT, इसमें बैठा दीजिए तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0.1 RT प्लस 3 × 0.2 RT प्लस 1.2 × 0.5 RT, RT को कॉमन लेते हैं कितना हो जाएगा सर 0.2, 0.6 और
1.2 इंटू 5 कितना 6 ना, और 6 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R का वैल्यू पुट कीजिए और T का वैल्यू पुट कीजिए और आंसर बताइए कितना होता है। कितना आंसर, आंसर 34 पॉइंट समथिंग है। कैलकुलेशन ठीक से करो। 0.6 होगा ना, 0.6 यस, 1.2 डिवाइड बाई 2, 0.6। चलिए तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा मोटा मोटी 34.8 के आसपास है। इसका मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा फर्स्ट टर्म में वांडअप फैक्टर इन्वॉल्व करके, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, डू इट फास्ट। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर सोडियम सल्फेट का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, तो मान लेते हैं अगर सोडियम सल्फेट का मैं ही पूछ रहा हूँ व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तब यहाँ वी नो दैट सोडियम सल्फेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट क्वेश्चन में अगर पूछा गया था क्या खुद से 100% बोल देंगे या निकालेंगे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इवन इफ सोडियम सल्फेट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट फिर भी अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि व्हाट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट, तो वहां पर यू हैव टू फाइंड आउट राइट व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आई बोला कीजिए भाई क्या समस्या है, आइसोटोनिक का मतलब कुछ नहीं पढ़ाए हैं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। If 0.04 mm sodium sulphate solution at 300 Kelvin is found to be isotonic with 0.05 mm
एम NaCl सॉल्यूशन। अच्छा NaCl का टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ, राइट? सेम टेम्परेचर ले लीजिए फिर, करेक्ट? नहीं मेंशन किया मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या लेना है, सेम टेम्परेचर लेते हैं। आप लोग तो सेम टेम्परेचर लेकर ही आंसर निकाले होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 1, क्लास असाइनमेंट। आइसोटोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोडियम सल्फेट बिकम्स इक्वल टू व्हाट? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl। यहाँ देखिए ये लिख सकते हैं वान डर फैक्टर ऑफ सोडियम सल्फेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, इसका C1 मान लेते हैं, I1C1RT इक्वल टू व्हाट? इसका वांडा फैक्टर I1 मान लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन C1 इक्वल टू इसका वांडा फैक्टर I2 मान लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन C2RT। RT और RT आपस में कैंसिल, I1 यहां से निकल जाएगा, करेक्ट? किसका वांडा फैक्टर? सोडियम सल्फेट का। किसका? ये मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं, तो दिस वन इक्वल टू व्हाट? I2C2 by C1। और I2 तो NaCl का पता है, बोला गया 100% डिसोसिएटेड, क्या दो ले लें? 2 × 0.05 और डिवाइडेड बाई कितना? 0.04, तो कितना हो जाएगा? 2 × 5/4 हाउ मच? 2.5। और इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 1 - α1 प्लस α1 × 3, डायरेक्टली मैं लिख दिया 1 - α + α × x + y इक्वल टू 2.5। देन हाउ मच? 1 + 2α1 इक्वल टू 2.5। देन 2α1 इक्वल टू 1.5। देन α1 इक्वल टू 0.75। मतलब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना? अल्फा में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा? 100 से, तो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। ये तो डैम से और नीट को डिजर्व करता है। अब फर्स्ट टर्म को तो पक्का आगे तो बन जाएगा। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। अभी इसमें मिलेगा भाई अच्छा अच्छा क्वेश्चन, घबराइए नहीं। कैसे कैसे नहीं तो ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये नहीं है, ऑलवेज मिस्टेक हो जा रहा है। कुणाल है? देखिए स्टूडेंट, आप लोग को जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ प्लीज लेकर आया कीजिएगा, उससे मेरा क्लास हो जाता है। ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं और ऑनलाइन की कोई बात नहीं है, बट हार्ड कॉपी मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, प्लीज लाया कीजिए।
ये डायग्राम केमिकल बॉन्डिंग में समझा चुके हैं, ध्यान से देखिए। एच बॉन्डिंग हो रहा है, हाँ एक छूटा हुआ नहीं, ओके ओके। समथिंग लाइक दिस राइट, एच रहेगा वो मिसप्रिंट रहा होगा। ये डायग्राम का मतलब सिर्फ ये है कि कॉज ऑफ डाइमराइजेशन ड्यू टू एच बॉन्डिंग हो रहा है, बट ये डायग्राम नहीं भी रहेगा तब भी ये क्वेश्चन हम लोग का बनेगा। बेंजीन 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड है, नीचे वाला डायग्राम को छोड़ दीजिए, ठीक है, नीचे ऊपर वाले डायग्राम पे फोकस कीजिए। लास्टली डायग्राम को छोड़ ही दीजिए, सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, उससे बन जाएगा। बाकी लोगों को भी टाइम दीजिए, 2 मिनट। कितना आंसर आया है? 3.22। सिक्स ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व इन बेंजीन टू मेक 1 लीटर एट 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 1.64 atm। If it is known that acetic acid in benzene form a dimer, calculate degree of association of acetic acid in benzene. This is the complete question. आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? खुद का ट्राई करते रहिए, मैं बाद में समझाऊंगा। आंसर है 2/3। आंसर है 0.666, तो मतलब 0.67, मतलब 2/3। ठीक, आप लोग खुद का सॉल्व करते रहिए।
किनके किनके पास नहीं है और नेक्स्ट टाइम से क्या करना है? अच्छा किसको? देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन, एक मिनट, जो यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा वो लैब का वैल्यू रहेगा। लैब का वैल्यू रहेगा मतलब एक्सपेरिमेंटल रहेगा, एक्सपेरिमेंटल मतलब रहेगा मतलब एबनॉर्मल रहेगा, और रियल वैल्यू है ना। और पाई नॉर्मल के लिए क्या, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए हम लोग वांडर फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो पाई नॉर्मल इक्वल टू सिंपल व्हाट, विदाउट एसोसिएशन विदाउट डिसोसिएशन सीआरटी अल्फा इक्वल टू 0.66, वेरी गुड। तो यहाँ देखिए, और कितना एसिटिक एसिड है, 6 ग्राम, और एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना, 60। तो क्या हम लोग 6/60 नंबर ऑफ मोल्स हो गया, और वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, मैं एक साथ कर दिया, करेक्ट। दिस इंटू दिस तो एक, अब वांडा फैक्टर क्या होता है, पाई एब नॉर्मल बाई पाई नॉर्मल, पाई एब नॉर्मल दिया हुआ था, पाई नॉर्मल निकाल दिए, करेक्ट। तो यहाँ से आई निकल गया, आई का वैल्यू कितना आया है, कितना आई का वैल्यू, 0.06, ये ऑलमोस्ट 2/3 के बराबर आया होगा, 0.67 के आसपास, राइट। तो यहाँ पे I का वैल्यू, और I इक्वल टू एसोसिएशन के लिए ये लिख सकते हैं 1 - α + α/N, और यहाँ पे N कितना, 2, क्योंकि डाइमर बन रहा है, तो 1 - α + α/2 मतलब 1 - α/2। तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड करेंगे तो 2/3 = 1 - α/2, देन α/2 = व्हाट, 1 - 2/3 मतलब 1/3, देन α = व्हाट, 2/3 मतलब 0.67 के आसपास, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो आराम से बन जाएगा, नहीं मोलर मास सही लीजिएगा, इतना मेहनत करके बना रहे हैं, करेक्ट। नहीं देखा कि सब सिली मिस्टेक आपको निगेटिव में लेके चला जाएगा। सॉल्यूशन तो समझ में आ गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, थ्योरी ओवर, फर्स्ट टर्म का फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरी खत्म। ये तो कब का खत्म हो चुका होता, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री शुरू हो गया था। अच्छा स्टूडेंट, सॉल्ट प्लस सॉल्ट आपस में रिएक्शन करता है या नहीं करता है? सॉल्ट प्लस सॉल्ट आपस में रिएक्शन नहीं भी करता और करता भी है। सॉल्ट का एक्वस, ध्यान से यहाँ देखिए जब कुछ बोलते रहते हैं तो मेरे तरफ देखा कीजिए। किसी भी सॉल्ट का, किसी भी टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन को जब आपस में मिक्स करेंगे रिएक्शन हो भी सकता है और
अगर दो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, करेक्ट, और एक हो गया HCl या NaCl. NaCl इज ऑल्सो वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो NaCl अलग कंटेनर में और सिल्वर नाइट्रेट अलग कंटेनर में, दोनों अलग अलग कंटेनर में, और दोनों को अगर सेम कंटेनर में डाल दिया जाए देन, अब मेरे तरफ देख रहे हैं, Ag प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइन हो क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा. इसका मतलब किसी भी टू डिफरेंट सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन को अगर आपस में मिक्स करते हैं और उसमें से कोई भी, दोनों में से कोई भी वैसा कटायन और अनायन जो आपस में मिक्स होकर इनसॉल्युबल बन रहा है, मतलब और आपस में रिएक्शन करके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देगा. कैसा रिएक्शन देगा, प्रेसिपिटेट. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl को अगर आपस में मिक्स करेंगे तो आपस में रिएक्शन करेगा और किसका प्रेसिपिटेशन होगा, बोलिए सिल्वर क्लोराइड का, करेक्ट. लेकिन एक मिनट रुकिए, सोडियम सल्फेट और NaCl को अगर आपस में मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट या इवन सोडियम सल्फेट प्लस KBr को आपस में मिक्स करते हैं, कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होने का चांस है, दिमाग दौड़ाइए. तो सोडियम सल्फेट मतलब दो टाइप का आयन, सोडियम प्लस और सल्फेट आयन, और KBr का मतलब K प्लस Br माइनस. ये चारों आयन में से कोई भी दो आयन आपस में मिक्स होकर क्या लगता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट देगा, नहीं देगा. तो क्या इतना कॉमन सेंस अप्लाई कर लेंगे कि दो सॉल्ट को अगर का एक्वस सॉल्यूशन को अगर मिक्स करते हैं और कहीं, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा इसमें हिंट दूंगा, या आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं, एक्चुअली बेरियम सल्फेट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, यही मैं बोलना चाह रहा था. क्या बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट आज के बाद बेरियम सल्फेट, देखिए उसको मैं कहानी बना के कहीं पर बोला था कि भाई पानी में वाटर में अगर बालू डाल दिया जाए क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्यों भाई वो प्रेसिपिटेट हो गया, बैठ गया, तो जो सॉल्यूशन में है ही नहीं, बॉटम में बैठा हुआ है, तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. तो एक्सरसाइज 1 और 2 में जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो आपको देखने से बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक है, उसको ध्यान से बनाइएगा. तो इसमें मैं हिंट दे दिया, इसका मतलब आपने सॉल्ट, दो सॉल्ट को मिला रहे हैं, राइट, तो उसमें बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, करेक्ट. अब बनाइए क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन का 80% मैंने सॉल्व कर दिया, 20% अब आपको सॉल्व करना है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉल्ट और सॉल्ट के बीच में रिएक्शन होगा, इट राइट, ए भी सॉल्युबल था, इसका सॉल्यूशन था, ए भी सॉल्युबल था, और जब आपस में कंबाइन होगा मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. पहला बात तो ये हो गया. चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करते हैं. इसका BaCl2 का सुबह के क्लास में ही पढ़ा रहे थे. अब 12th वाले कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि सुबह के क्लास में किसको पढ़ा रहे थे, यू नो इट वेरी वेल. इसका कितना मिलीमोल, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml इक्वल टू व्हाट, मिलीमोल, राइट.
जहां पे रिएक्शन होगा तो फर्स्ट ऑल यू हैव टू डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट, क्या डिसाइड करेंगे? तो इसका कितना हो जाएगा? 40 मिलीमोल, करेक्ट। मोलरिटी इनटू वॉल्यूम क्या देता है? मोल या मिलीमोल। तो अगर वॉल्यूम एमएल में लीजिएगा तो क्या मिलेगा? मिलीमोल। इसका कितना मिलीमोल? अब भाई दोनों का कोफिशियंट तो 1:1 है, तो जहां पे कोफिशियंट 1:1 का है तो वहां तो लिमिटिंग रिएजेंट देख के पता चल जाएगा। तो विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? दिस वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, करेक्ट। एक मिनट, ए रिएक्शन रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल? दो टाइप का रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। पहला, अगर प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन है तो पीछे मुंह आएगा या आगे बढ़ता जाएगा। या दूसरा ऐसा रिएक्शन जिसमें गैस फॉर्म हो रहा हो, राइट, और कंटेनर ओपन है, कंटेनर क्या है, तो वो भी इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन रिएक्शन ओवर, जब रिएक्शन ओवर हो जाएगा तो ये कितना रहेगा? जीरो। ये कितना रहेगा? 10। इसका वन मोल के लिए वन मोल के लिए वन, तो 40 मिलीमोल के लिए 40 मिलीमोल, तो बचेगा 10। ये बनेगा कितना? 40, करेक्ट। आई कितना बनेगा आफ्टर द रिएक्शन? एक मिनट रुके, यहां देखिए, आफ्टर द रिएक्शन आपके सॉल्यूशन में क्या क्या है, कौन कौन सा सॉल्यूट है, क्योंकि आप जो जो सॉल्यूट रहेगा वही तो रिस्पॉन्सिबल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपका सॉल्यूशन में क्या क्या है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? Na2SO4 और इसको आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के काउंट में नहीं करेंगे। बेरियम सल्फेट इज नॉट काउंटेड फॉर व्हाट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो प्रेसिपिटेट करता है वो सॉल्यूशन का पार्ट। इसी चीज़ को सिखाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, बट ये बात अगर नहीं जानते तो आप इसको भी अकाउंट में लेते रहते हैं, राइट। लेकिन आज के बाद जो भी चीज़, तो ये मैंने कैसा एग्जांपल लिया, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें मिक्सचर तो बना रहे हैं बट वो रिएक्टिंग मिक्सचर है। क्या है? रिएक्टिंग। तो इस केस में ए रिस्पॉन्सिबल, आप लिख लीजिए, बेरियम सल्फेट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए किसको अकाउंट में लेंगे? नेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हाट? बोलिए, सोडियम सल्फेट प्लस NaCl। और जब सोडियम सल्फेट का इस केस में कुछ नहीं दिया हुआ है तो 100% डिसोसिएशन मान लीजिए, करेक्ट। तो सोडियम सल्फेट का आई कितना लीजिएगा? 3 ना, 1 - α + α (x + y). और अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या मानेंगे? 1। इसका भी क्या लेंगे? 1। तो क्या लिख दें? 3C1RT। यहाँ पे C1 इज व्हाट? किसका? पूरा बात बोलिए। C1 इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन सॉल्यूशन बिफोर मिक्सिंग या आफ्टर मिक्सिंग? आफ्टर मिक्सिंग। ऐसा कितना लिखें? 2। C2 क्या है? C2 इज द मोलरिटी ऑफ NaCl आफ्टर मिक्सिंग। बोलिए, व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट? अब निकालना पड़ेगा दोबारा। ये जो आपका कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी दिया हुआ था, यस, बिफोर मिक्सिंग था, इसलिए अब यहाँ पे दोबारा निकालना पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ था वो बिफोर मिक्सिंग था, बट अब तो ये तो आपके पास इतना ही बचा ना, तो C1 इक्वल टू अगेन निकालना पड़ेगा। वो पहले वाला नहीं लेना है, बिफोर मिक्सिंग वाला नहीं। आफ्टर मिक्सिंग क्या हुआ? सुबह का क्लास कुछ ऐसा ही चल रहा था, राइट। तो C1 इक्वल टू 10/100, ऊपर में मिलीमोल तो नीचे में ml, ऊपर में मिलीमोल तो नीचे में ml, कितना? 700 ना, मतलब 1/70। और C2 के लिए कितना लिखे एवरीवन? 700, वेरी गुड, 8/70। तो 3 into
वन बाय 70 ना, आर टी को बाहर ले ले, अब प्लस 2 इंटू 8 बाई 70 आर टी। कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए। अच्छा टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, एक काम करिए 27 डिग्री से ले लीजिए, हालांकि दिया हुआ रहना चाहिए था, 27 डिग्री से ले लीजिए टेम्परेचर। हालांकि टेम्परेचर नहीं देना मतलब क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट अगर नहीं दिया हो तो मेरे तरफ से रखिए 27 डिग्री से रूम टेम्परेचर। वेरी गुड, कितना आया? एनीवन इनका आ गया आंसर 6.685। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, यहाँ देखिए एक साथ बहुत सारा चीज़ मिक्स नहीं हो गया, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हुआ ही, साथ में सॉल्यूशन में मतलब मोल कॉन्सेप्ट भी हो गया, और मोल कॉन्सेप्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट, मिक्सिंग का, और नॉन रिएक्टिंग या रिएक्टिंग मिक्सचर, रिएक्टिंग मिक्सचर, और आफ्टर रिएक्शन हाउ टू फाइंड आउट द मोलर रिएक्टिव, और साथ में लिमिटिंग रेंज भी निकालना है, मतलब इतना सारा कुछ एक साथ इसमें रिवीजन हो गया। इस पे एक छोटा सा स्टार दे दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। हाँ एक मिनट रुकिएगा सब लोग। मैंने ये बात कब बोला है कि अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा तो वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा, मैं आपको से नहीं पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं क्वेश्चन उनसे पूछ रहा हूँ, उनको भी तो मेरा एक्सप्रेशन दिखना पड़ेगा। दिलांजन मैंने बोला था वो, मैं समझ गया आप वो कहाँ पे फंस गए हैं। सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन, एक मिनट सबको मैं बता रहा हूँ, एक्चुअल में एक मिनट रुक जाइए आप सब लोग। हम लोग एक सॉल्यूशन पढ़ रहे थे जिसमें लिक्विड प्लस लिक्विड का था, क्या था, लिक्विड प्लस लिक्विड एंड बोथ आर मिसिबल एंड बोथ आर वोलेटाइल, बोथ आर मिसिबल एंड बोथ आर वोलेटाइल, उसमें आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल के दो कैटेगरी, नॉर्मल और एबनॉर्मल, नॉर्मल एज वेल एज, उसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, पॉजिटिव डिफ्रेक्शन तो वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नेगेटिव तो वॉल्यूम थोड़ा, बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं निरंजन, उसमें हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्वेंट तो लिक्विड फॉर्म में रहता है लेकिन सॉल्यूट क्या रहता है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड फॉर्म, राइट। तो यहाँ पे बिफोर मिक्स जो, अगर यहाँ पे क्या हम लोग डिविएशन का बात करेंगे वॉल्यूम का, अंटी नलेस जब तक कुछ नहीं मेंशन किया रहेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रखेंगे 200 और 500 बिफोर मिक्सिंग, तो आफ्टर मिक्सिंग भी कितना लेंगे 200 प्लस 500, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के का जो फर्स्ट है 0.2 कैपिटल एम है, स्मॉल एम बाय मिस्टेक लिखा गया है 0.2, लेकिन जो सॉफ्ट कॉपी में देख रहे हैं वो कैसे करेक्ट कीजिएगा जो मोबाइल में देख रहे होंगे उनको मैं बोल रहा हूँ, वो उसको कैपिटल एम बना दीजिएगा। Thank you.
क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले एक मिनट रुकिए। एक्चुअली एक टॉपिक पढ़ाते दूसरे बैच में क्या होता था कि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा लेता था, ठीक है। बट अभी आपको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ाया हूँ। यहाँ देखिए सब लोग, जब कुछ बताना स्टार्ट करते हैं तो बोर्ड की तरफ देखिए, बाद में सॉल्व कीजिएगा। मान लेते हैं कि समथिंग लाइक दिस, तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बोलते हैं? और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है, क्या किसके अंदर? इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है उसको हम लोग बोलेंगे, हम लोग सपोज करेंगे नॉन आयोनाइजेबल। बोलिए, आयोनाइजेबल या नॉन आयोनाइजेबल? तो अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, लेट अस सपोज जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको हम लोग बोलते ही हैं नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। बट क्लास 12th क्लास के बच्चे, अभी तो आप लोग को सेकंड टर्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो बाद में पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको A to Z सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। तो एक्चुअली इसको जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसको आयन में ब्रेक करने के लिए ऐसा नहीं करना है कि पोटेशियम आयरन और CN सब अलग अलग, नॉट लाइक दैट। इसको क्या मानना है? सिंगल एंटिटी। क्या मानना है? यस, दैट्स व्हाई अगर K3FeCN6 है, इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3K+। क्या लिखेंगे? 3K+। और इसके लिए FeCN6 कुछ नहीं, 3-। तो इसको जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसके लिए X+Y का वैल्यू क्या लेंगे? 4। कितना लेंगे? 3+1=8। समझ में आ गया? इसका तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर को हम लोग ट्रीटेड एज सिंगल एंटिटी। कैसा एंटिटी? और आयोनाइजेबल या नॉन आयोनाइजेबल? नॉन आयोनाइजेबल क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ नॉन आयोनाइजेबल, क्योंकि ये सब जुड़ा रहता है, वो एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड से नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा है, दैट्स व्हाई वो आयनाइज नहीं हो पाता है। तो अभी के लिए इतना ही याद रखिए, और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, तब आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन लिखता हूँ, ठीक है। आप इस रिएक्शन को माइंड में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो आयनिक फॉर्म में दिया हुआ उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे कौन सा रिएजेंट? नेस्ले रिएजेंट। अब सॉल्व कर सकते हैं? नहीं पता है सर। बस एक चीज मत लीजिएगा, क्या तब भी काम चल जाएगा। दिस वन नहीं, एक और था। जो बिल्कुल वेरी स्ट्रॉन्ग येलो डाई, क्या नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ, शायद समथिंग यही था क्या। अच्छा बताएंगे आपको, ऑर्गेनिक में कहीं कहीं आएगा। सॉल्व कीजिए।
आज से फिजिक्स का फर्स्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ज्वाइन करते रहिएगा, ठीक है। और आप भी अगर हो सके तो ज्वाइन करिएगा, कुछ तो फ्लो में तैयारी हो जाएगा। तो मिक्स क्वेश्चन है सैंपल पेपर का, 9 बजे से मेरा नहीं है, हर के सर लेते रहेंगे, एटलीस्ट आप मत ज्वाइन कीजिएगा, आपको बोर्ड में थोड़े बैठना है। आप उस टाइम पे आप दूसरे चीज़ को पढ़िए। बोलिए स्टूडेंट, आप क्या मिली मोल निकाल पाएंगे? कितना मिली मोल? 40। इसका कितना? कितना? 400। विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट? दिस वन निकाल लेंगे ना, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, इसको तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन एक खत्म हो जाएगा, और इसमें से इसका कितना खत्म होगा? इसका एक के लिए चाहिए था 4, इसका 40 के लिए 160, कितना? 1 के लिए 4 ना, तो 40 के लिए कितना? 160। तो इसमें से 160 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 240। और हु विल डिसाइड द प्रोडक्ट? लिमिटिंग रिएजेंट, एक से एक, तो 40 से कितना? 40। और इसका 1 से 2, तो इसका कितना? 80। अब एक मिनट इधर देखिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और हाईली सोलुबल वाटर इन जनरल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और हाईली सोलुबल इन वाटर, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके सॉल्यूशन में क्या क्या है? एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके सॉल्यूशन में क्या क्या बचा? ए है और क्या है? ए है और ए है। क्या ए है? इसका मतलब नेट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए, नेट ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? ए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ए रहेगा और ए रहेगा, करेक्ट। तो सबका हम लोग इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। यहां देखिए, एक मिनट, इसका वांडा फैक्टर को आई वन मान लेते हैं, मान सकते हैं ना? इसका वांडा फैक्टर क्या मान लेते हैं? आई टू। इसका वांडा फैक्टर को आई थ्री मान लेते हैं, करेक्ट। चलिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या पहले वाला ही कॉन्सेंट्रेशन निकाल मोलरिटी लेंगे या आप दोबारा निकालेंगे? निकालेंगे आफ्टर द रिएक्शन, करेक्ट। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन को मैं C1 मान लेता हूँ। C1 इज व्हाट? C1 इज द मोलरिटी आफ्टर द रिएक्शन, C1 इज द मोलरिटी ऑफ KI आफ्टर द रिएक्शन। आप लोग लिखते रहिएगा भाई। C2 क्या है? C2 इज द मोलरिटी ऑफ दिस वन आफ्टर द रिएक्शन, एंड C3 इज द मोलरिटी आफ्टर द रिएक्शन। तो C1 के लिए क्या, यहाँ देखिएगा, C1 के लिए क्या लिख सकते हैं? 240 बाई टोटल वॉल्यूम कितना था? कितना कितना मिक्स किए हैं? ओके, तो ऊपर है मिलीमोल, तो नीचे में ml, ऊपर है मिलीमोल तो नीचे में ml, समझ गए? तो 24/100, करेक्ट। C2 इसका कितना बना है? 40 ना, तो 40 बाई कितना? 1000, मतलब 4/100। और C3 कितना? 80/1000, कितना? 8/100। अब जल्दी से फटाफट आप लोग I1, I2, I3 बताइए, फिर एक लाइन में सोल्यूशन हो जाएगा। क्या I1 का वैल्यू डायरेक्ट 2 लिख दें, और I2 का वैल्यू 3? अगर इसका 100% डिसोसिएशन मानते हैं तो क्या लिखेंगे? अगर नहीं दिया हुआ है तो 100% मानिएगा, 1 - α + α (x+y). इसका x+y का वैल्यू अभी तो बताया था कि इसको हम लोग सिंगल पार्टिकल मानेंगे, राइट। इसका कितना? 2, करेक्ट। तो इसका I2 हो गया 3, इसका I3 कितना हो गया? 2। नाउ
नेट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू, बोलते रहिए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई वन सी वन आर टी प्लस आई टू सी टू आर टी प्लस आई थ्री सी थ्री आर टी। आर टी को कॉमन ले लीजिए बाहर, तो क्या लिखेंगे, आई वन सी वन आई टू सी टू आई थ्री सी थ्री इंटू आर टी। क्या यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है 300 केल्विन। कितना आया है, जीरो आंसर नहीं इस। कितना, इसका आंसर है, आंसर आ गया है तुम्हारा, लेकिन मतलब इसका आंसर है 18.69, ऑलमोस्ट 18.7 अप्रोक्सीमेशन ले ली हो, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अरे यहाँ पे हर क्वेश्चन में कुछ कुछ अगर सिखाते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे सोचना है, क्या करना है, तो वो समझते जाना है, ठीक है। और अभी जो एग्जांपल ले रहे हैं वो कैसा एग्जांपल है, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर का या रिएक्टिंग मिक्सचर का, रिएक्टिंग मिक्सचर का, ठीक है। इससे टफ तो नीट में नहीं, पक्का नहीं आएगा, इतना टफ तो नहीं आएगा नीट में, फार्मूला पुटिंग आता है। अच्छा स्टूडेंट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 11 भी सॉल्व कर लिए हैं। और जहाँ तक मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लिए हैं, क्या 10, 11, 12 सॉल्व कर लिए हैं, नहीं। जिस टाइम पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा रहे थे उसी टाइम पे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो एक काम करते हैं स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा, अभी होम असाइनमेंट शेयर नहीं करूँगा, और इसको फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी चीज काम तो आप लोग करते हैं नहीं करते हैं डजंट मैटर, फर्स्ट टर्म के और आप लोग नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग एक एक्सरसाइज टू ट्राई करेंगे, कौन सा, क्लास असाइनमेंट का एक्सरसाइज टू, अभी सबको सबको मैं बोल रहा हूँ एक, और नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सरसाइज वन मैं सॉल्व करूँगा, आप लोग क्या ट्राई करेंगे, टू, और एक्सरसाइज टू में खास करके मेडिकल के बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ दीजिएगा, वो आपके लिए नहीं है, इसमें डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ जाता है। तो मेडिकल के बच्चे कौन सा क्वेश्चन छोड़ देंगे एक्सरसाइज 2 का, क्वेश्चन नंबर, अब बाकी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर इसका ऑलमोस्ट अगर क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, देखिए ये तो ऐसे भी मेरा कॉन्स्टेंट कंडीशन है, मैं सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज वन और एक्सरसाइज टू अगर यहाँ पे क्लास में कर देंगे तो क्या बोर्ड का हो जाएगा आपसे, और होम असाइनमेंट में जो नीट लेवल का क्वेश्चन है वो बहुत आसान बच्चा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ये बिल्कुल बैलेंस है, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का इतना ही।